नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। देश की आन बान और शान भारतीय सेना के तीन हिस्से हैं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना। इन तीनों सेनाओं का काम है देश के 1,30,00,000,000 लोगों को सुरक्षित रखना और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना। लेकिन इन तीनों सेनाओं की कई ऐसी चीजें हैं जैसे ड्रेस कोड, युद्ध का मैदान और भी बहुत कुछ। जैसे कि वायु सेना हवा में युद्ध करती है तो नौसेना समुद्र के अंदर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देती है, तो वही सीमा पर जमीन से थल सेना दुश्मन पर टूट पड़ती है। तो आज हम बता रहे हैं कि तीनों सेनाओं के सल्यूट करने का तरीका अलग क्यों है, ऐसा क्यों होता है और क्यों सेना के तीनों अंगों के अधिकारी सल्यूट अलग अलग तरीके से करते हैं। वैसे तो एक बात यहाँ पर बताते चले कि सलाम करना या नमस्कार करना या सल्यूट करना एक दूसरे को सम्मान देना होता है, लेकिन सेना के तीनों अंगों का सल्यूट करना अलग है। सबसे पहले हम बताते हैं कि थल सेना के सल्यूट करने का तरीका क्या है और क्यों। वैसे तो थल सेना अपने खुले पंजे से सल्यूट करती है। थल सेना खुले पंजे से सल्यूट करती है। थल सेना के सल्यूट में सभी उंगलियां एक साथ एक सीध में होती है, उंगलियां सामने की तरफ दिखती हैं और अंगूठा साथ में चिपका रहता है। इसके पीछे की बात बताते हुए सेना के अधिकारी कहते हैं कि इसके पीछे का राज ये है कि सामने वाले के प्रति हमारा प्यार और सम्मान है। दूसरा ये कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि थल सेना का सलामी का मतलब क्या है और वो ये कैसे करते हैं और इसका अर्थ क्या है। अब बात करते हैं नौसेना की। नौसेना का सल्यूट का तरीका है खुली हथेली और जमीन की तरफ इशारा। ऐसे ही नौसेना सल्यूट करती है और ये सल्यूट थल सेना से बिल्कुल अलग है। ये सल्यूट थल सेना के सल्यूट से बिल्कुल अलग होता है और ये डिफरेंट दिखता है। आपने देखा है कैसे एक नेवी का सिपाही या अधिकारी सल्यूट कर रहा है और नेवी का जवान हथेली को सिर के हिस्से से कुछ इस तरह टिका कर रखता है कि हथेली और जमीन के बीच 90 डिग्री का कोण बने। इस सल्यूट के पीछे एक वजह ये बताई जाती है कि नाविकों और सेलरों के बीच काम करने की वजह से ग्रीस तेल हाथ में लग जाता है जिससे उनके हाथ गंदे हो जाते हैं। इसलिए ऐसा सल्यूट करने का तरीका निकाला गया है जिससे सामने वाले को गंदे हाथ ना दिखे और सामने वाले मेहमान को खराब ना लगे। इस तरह हथेलियों को छिपाकर सामने वाले को सम्मान पेश किया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि नौसेना हथेली को नीचे करके क्यों सलामी देती है। अभी तक हमने आपको दो सेनाओं के सल्यूट बताए हैं। आप अच्छी तरह से समझ भी चुके होंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब बताते हैं हवा के हीरो एयरफोर्स की बात कि ये कैसे सल्यूट करते हैं। वायु सेना का सल्यूट 45 डिग्री का कोण बनाता है, खुली हथेली और जमीन से सीधे निशाना। वायुसेना का सल्यूट आर्मी और नेवी से अलग है। वायुसेना का सल्यूट करने का तरीका पहले ऐसा नहीं था। साल 2006 की बात है, लेकिन इस पर बात करें उससे पहले ये बता दें कि साल 2006 से पहले वायुसेना आर्मी की तरह ही सल्यूट करती थी, लेकिन साल 2006 से वायुसेना ने अपने सल्यूट का तरीका बदल दिया और वायुसेना कुछ ऐसे सल्यूट करती है जैसे जमीन से 45 डिग्री पर कोण बने। इसके पीछे का मतलब ये होता है कि वायुसेना उड़ान की ओर है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि तीनों सेनाओं और सेनाओं का सल्यूट का तरीका और इसके पीछे का राज क्या है। हर चीज के पीछे कुछ राज होता है और तीनों सेनाओं के सल्यूट के पीछे भी कुछ राज है जो हमने आपको बताया। उम्मीद है आप इस जानकारी से चकित जरूर हुए होंगे।